Hello students and welcome to your channel. Today we are going to read chapter number 3 from your NCERT book class 7th. Isme before you read, have you ever read a comic book? Kya aapne kabhi ek comic book padhi hai? A comic book contains stories told mainly through pictures. To jo comic book hai usme zyada tar jo stories hain wo ek picture ke dwara batayi jati hain. देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, मछुआरे हैं और ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं, तो एक टाइप से कॉमिक की तरह इस कहानी को या इस चैप्टर को इन्होंने दर्शाया है. इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. तो ये सीज़न जो है वो हिल्सा फिश का सीज़न था और जो मछुआरे थे वो कुछ भी नहीं सोच पाते थे सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बगैर. सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश, सभी हिल्सा फिश के बारे में सोचते थे. फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. और जो ये मच्छी बेचने वाले थे ये सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश बेचते थे और कुछ भी नहीं. कम बाई द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टूडे. कम बाई द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टूडे. आओ खरीदो, आज हिल्सा का प्राइस कम है. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. और जो घर वाले थे सभी, अड़ोसी पड़ोसी सब, वो सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश की बात करते थे. How much did you pay for that hilsa? और इस हिल्सा के लिए कितने पैसे दिए? You would not believe it if I told you. तुम इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं करोगे अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो. And in the palace too, the courtier could discuss nothing but hilsa fish. और राजमहल में भी सभी दरबारी सब लोग सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात करते थे. Your Majesty, You should have seen the huge hilsa I caught. तो वो बोलता है कि हे राजा, आपको देखना चाहिए था मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी थी. राजा फिर क्या करता है, स्टॉप इट, आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन. तुम एक दरबारी हो या मछुआरे? द कोर्टियर फेल साइलेंट एंड डाउनकास्ट आइज. द किंग फेल्ट गिल्टी. तो कोर्टियर जो है उसे वो चुप हो गया और अपनी आंखें उसने नीचे कर ली और राजा को गिल्ट महसूस हुआ. आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर. इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स. तो राजा बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे गुस्सा आ गया था. ये हिल्सा फिश का सीजन है और कोई भी नहीं, ना केवल गोपाल भी नहीं, सबको हिल्सा फिश के बारे में या किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से रोक सकता है, केवल 5 मिनट के लिए भी नहीं. तो ये गोपाल है. गोपाल बोलता है, ओह आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी. तो बोलता है कि मैं तो कर सकता हूँ शायद. देन लेट मी सी यू बाय अ हिल्सा फिश, ह्यूज हिल्सा, एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस. तो फिर मैं देखता हूँ या मैं देखना चाहता हूँ कि तुम एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश खरीद के राजमहल लेके आओ, विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट. और कोई भी तुमसे वो बात नहीं पूछना, कुछ भी नहीं पूछना चाहिए उस हिल्सा के बारे में. आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी. तो बोलता है कि मुझे आपका चैलेंज मंजूर है राजन. और कुछ दिन बाद, अ फ्यू डेज लेटर, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन. तुम्हारा, जिसकी बीवी पूछती है कि तुम्हारा जो फेस है उस पर आधी दाढ़ी क्यों बनी हुई है. आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश. तो बोलता है मैं तैयार हो रहा हूँ, मुझे मछली खरीदनी है. व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विद ऐश. भाई तुम्हारे को क्या हो गया, तुम अपने मुँह पर राख क्यों लगा रहे हो. आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश. मैंने तुम्हें बताया मैं एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ. लिसन टू मी प्लीज, मेरी बात सुनो. यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स. मेरी बात सुनो, तुम या आप जो है इन डिसग्रेसफुल फटे पुराने कपड़ों में बाहर नहीं जाएंगे. वट आर यू अप टू, आप क्या करना चाह रहे हैं. How many times must I tell you, woman? I am out to buy a huge hilsa fish.
तो बोलता है मैं कितनी बार तुम्हें बताऊं औरत, मैं एक बड़ी हिलसा मछली खरीदने जा रहा हूं। इट्स हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड। तो ये पागल हो गए हैं, ऐसे बोलती है भाई, ऐसा मुझे लगता है कि ये पागल हो गए हैं। गोपाल बोट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। गोपाल ने क्या किया, हिल्सा फिश खरीदी और पैलेस की तरफ चल पड़ा। मदर लुक एट द मैन, इजंट ही कॉमिकल। तो बच्चा बोलता है कि माँ देखो ये आदमी, ये एकदम जोकर जैसा है ना। ही मस्ट बी अ मैड मैन, ये पागल होगा शायद। हश, आई थिंक ही इज अ मिस्टेक, ये एक मिस्टेक हो सकता है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, और जब गोपाल कोर्ट पहुंचता है, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए तुमको। आई वांट टू सी द किंग, मुझे राजा से मिलना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। बोला तुम्हें राजा से नहीं मिल, तुम राजा से नहीं मिल सकते, भागो यहाँ से। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली, गोपाल जो है जोर जोर से गाने गाने लगा और नाचने लगा। इनसाइड द पैलेस द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। तो बाहर से आवाज़ें आती थी, भाई आदमी पागल है, इसे उठा के बाहर फेंक दो। वो बोलता है कि मुझे राजा से मिलना है, मुझे मिलने दो, अंदर आने दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस आदमी को मेरे पास लेके आओ। यस योर मेजेस्टी, जी राजन। गोपाल वॉज बॉट बिफोर द किंग, इट्स गोपाल, बोले ये गोपाल है, और गोपाल को राजा के पास लाया गया। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, तो बोलते हैं भाई पागल हो गया शायद। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जॉक्स, तो बोलते हैं कि शायद मुझे लगता है ये इसका एक आधा कोई ऐसा जो ये चुटकले या मजाक करता रहता है, वो उनमें से एक है। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। तो बोलता है राजा कि ठीक है गोपाल, अभी बस करो और ये बताओ कि ये तुमने इतना जो अजीब सा जो फैशन बनाया है, क्यों बनाया है। योर मेजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, महाराज शायद आप भूल गए एक चीज़। फॉरगॉटन समथिंग, क्या कुछ भूल गया। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीज टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, और देखिए आज लगता है कि कोई भी हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड नहीं ही है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नोट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। तो बोलता है कि बाजार से, बाजार में जब मैं बाजार से चला और पैलेस तक है, अब कोर्ट में भी एक सिंगल आदमी भी नहीं है जिसने हिल्सा फिश के बारे में एक भी शब्द कहा हो। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, तब जो है राजा को याद आया कि उसने गोपाल को क्या चैलेंज दिया था। हा हा, वेल गोपाल कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो उसने बोला कि गोपाल मुबारक हो, तुमने फिर से एक असंभव चीज को संभव कर दिया। वर्किंग विद द टेक्स्ट, तो बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, ठीक है बच्चों। अभी मैं आपको इसमें देख लीजिए, यहाँ तक ये पोएम जो है बच्चों, इस पोएम की भी आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी, द शेड की भी, और जो ये एक छोटी सी स्टोरी है एक कॉमिक टाइप की जो ये है ना, ये वाली, इसमें भी मैं आपको बना के दूंगा। बाकी मैं आपको एक बार इसमें बता देता हूँ फिर भी, ताकि आप जस्ट फॉर योर नॉलेज, केवल आपकी नॉलेज के लिए। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द टेक्स्ट अलाउड, तो ये पिक्चर देख के जोर जोर से आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, पहले मैं पढ़ूंगा फिर आप पढ़ेंगे। स्टैग बाय द साइड ऑफ द पॉन्ड, तो ये स्टैग है बारासिंगा, तो ये पॉन्ड की एक साइड में खड़ा है। हाउ ब्यूटिफुल माई हॉर्न्स आर, तो मेरे जो ये हॉर्न्स हैं, सींग हैं, कितने खूबसूरत हैं। मेरे पीछे पीछे बोलना बच्चों आपको भी। बट माई लेग्स आर सो थिन एंड अगली, तो
तो ये बोलता है कि मेरी जो लेग्स हैं वो बहुत ही पतली और अगली हैं। हंटर्स रन फॉर योर लाइफ। तो हंटर्स आ जाते हैं और वो फू करके भागने लगता है। लेट मी हाइड समवेयर। तो बोलता है कि चलो मैं कहीं छुप जाता हूँ। दीज ब्रांचेस ओ नो। दे आर टू क्लोज गेट आउट ऑफ हेयर। वो बहुत करीब पहुँच गए हैं, भागो यहाँ से। आई वॉज प्राउड ऑफ माई हॉर्न्स, दे कुड हैव कॉज्ड माई डेथ। आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई लेग्स, दे सेव्ड मी। तो ये बोलता है कि मैं अपनी इन सिंगों का कितना प्राउड था मुझे, और आज मेरी जान इनकी वजह से जा सकती थी, और मेरी लेग्स जिनसे मुझे शर्म आती थी, आज केवल इन्हीं की वजह से मैं बच पाया हूँ। ठीक है बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर सही हैं, जिसके बारे में मैं आपको एक दूसरी वीडियो में बताऊँगा। ये था गोपाल एंड द हिल्सा फिश का चैप्टर, एक कॉमिक टाइप में था, आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग करके बताने के लिए। NCERT की तरफ से एक पहल की गई है। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।